साथियों, स्वामी दयानंद जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था। स्वामी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया था, आखिर परिपक्व कौन होता है, आप किसको परिपक्व कहेंगे। स्वामी जी का कहना था और बहुत ही मार्मिक है। महर्षि जी ने कहा था, जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वही परिपक्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरलता से उन्होंने कितनी गंभीर बात कह दी थी। उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनौतियों का समाधान देता है। अब जैसे इसे पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ऐसे शब्द जन्म भी नहीं लिया था, उन शब्दों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, उनके भीतर महर्षि जी के मन में ये बोध कहां से आया? इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी ऋचाएं। सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही सूक्त प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित है। स्वामी जी ने वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था, उनके सार्वभौमिक संदेशों को उन्होंने अपने कालखंड में विस्तार दिया था। महर्षि जी वेदों के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे, इसलिए उनका बोध अपने समय से बहुत आगे का था।